ये इसलिए है क्योंकि उनकी तरफ से मिल कुछ नहीं रहा है जम्मू कश्मीर को, बल्कि उल्टा वो सरकारी खजाने के ऊपर एक बोझ डाल रहे हैं। 50-50 गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं और जो टैक्स पेयर मनी है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हालत जम्मू कश्मीर में ये है कि मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, स्कूलों की समस्या, डिस्पेंसरियों की समस्या, अस्पतालों की समस्या, सड़कों की समस्या, कोई सुनने वाला नहीं है। और 70 केंद्रीय मंत्री यहाँ आकर इस सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं और लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। जहाँ तक कि छोटे छोटे जो मसले लोगों के हैं उनके ऊपर भी कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी स्टेट हमसे छीन ली गई, एक झटके में स्टेट को डिमोट करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। दो सालों से ये लोग बार बार कह रहे हैं कि रियासत का दर्जा वापस लिया जाएगा, लेकिन 70 मंत्री यहाँ आए हैं। हम कहना चाहते हैं कि वो जनता को क्या जवाब देना चाहते हैं कि दो साल से ज्यादा होने के बाद भी हमारी रियासत का दर्जा हमें वापस नहीं मिला है, हमें डिमोट कर दिया गया। इस दुनिया में कौन शख्स होगा जो अपनी डिमोशन के ऊपर खुश होता होगा? और ये मंत्री लोग कहते हैं और यूनियन टेरिटरी के जो इनके फंक्शनरीज हैं वो ये कहते हैं कि अब यूनियन टेरिटरी बनने के ऊपर हम एक हफ्ते का जश्न मनाने जा रहे हैं। ये लोगों के